हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पिटूनिया कितने हेवी ब्लूम हो रखे हैं और ये देखिए कितने ज़्यादा फ्लावर्स खिल गए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। जब मैंने पहले इसकी वीडियो शेयर की थी तो इसमें बस एक दो फ्लावर खिले हुए थे और अब बहुत हैवी ज़्यादा क्वान्टिटी में इसके फ्लावर आ गए हैं। पूरा पॉट फ्लोर से भरा हुआ है। तो बस आज मैं इसकी एक वीडियो बना रही हूँ। स्पेशली वीडियो बनाने का रीज़न कुछ और है, अभी मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए मेरा ये फाउंटेन, ये गार्डन के सेंटर में रखा हुआ है मैंने। बहुत प्यारा लगता है, एकदम ओरिजिनल फाउंटेन जैसा ही लुक देता है। आवाज़ भी इसकी देखिए कितनी प्यारी लगती है, जैसे लगता है कोई झरना ही बह रहा हो। और ये मेरे फ्लावर्स, ये मेरे कुछ पिटूनिया का छोटा सा कलेक्शन है। काफ़ी सारे पिटूनिया मैंने अपने गार्डन में ऐड कर लिए हैं और सारे क्या बस थोड़े से ही हैं। तो मैंने सोचा, जब फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया था तो ये वाले पर्पल वाले प्लांट नहीं थे, इसमें फूल नहीं थे, ये टेरेस पे पड़ा हुआ था। जब ये ब्लूम हुआ है तो आज मैं इसे नीचे लाई हूँ और इसकी वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इस ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ये जो प्लांट है ये मैं नर्सरी से परचेज़ करके लाई थी। ये मैं आपको जो फर्स्ट रो में दिखा रही हूँ, ये सभी प्लांट नर्सरी से लेके आई थी मैं। तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी विंटर फ्लावर प्लांट के नाम से, मेरे चैनल पे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और स्क्रीन पे आई बटन भी दे दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने विंटर के कौन कौन से प्लांट परचेज़ किए थे। और ये जो फ्लावर है देखिए कितना हैवी क्वान्टिटी में ब्लूम हुआ है। और ये फ्लावर जो देख रहे हैं आप और ये वाले जो पॉट देख रहे हैं, ये सभी मैंने घर पर सीड से ग्रो किए हुए हैं। देखिए कितनी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हुई है। कलियां देखिए कितनी सारी हैं। ये एक हैंगिंग पॉट है, हैंग किया था बस रिकॉर्डिंग के लिए मैंने इसे नीचे उतारा है। ये देखिए और ये देखिए कितने छोटे पॉट हैं, मैं आपको बताती हूँ। 5-6 इंच के पॉट हैं, 5 इंच के पॉट हैं, 6 इंच के पॉट है। ये वाला 5 इंच का है और ये 6 इंच का है। और आप देख सकते हैं कितनी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग है। तो बस यही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली। एक्चुअली जब सीड से प्लांट ग्रो करते हैं तो टाइम तो लंबा लगता है। मैंने अक्टूबर में इसकी सीडलिंग की थी और अब जाके ये फैब में इसकी फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो टाइम तो लंबा लगता है फ्रेंड्स सीड से प्लांट ग्रो करने में, लेकिन जब इनकी फ्लावरिंग होती है ना तो सारी मेहनत सफल हो जाती है। और इतने अच्छे फ्लावर देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही कि मैंने सोचा अपनी खुशी अपने दोस्तों से भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अब हम सब लोग जुड़ चुके हैं, फैमिली मेम्बर बन चुके हैं। और अपनी छोटी छोटी खुशियों पे खुश होना अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं तो इन प्लांट के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ। और गार्डनिंग एक ऐसा शौक है कि सबको ही अपने घर में प्लांट लगाना चाहिए। मैं इन प्लांट से बहुत अच्छे से अटैच हूँ और बहुत पसंद है मुझे। एक्चुअली गार्डनिंग मेरी हॉबी है तो मैं हमेशा प्लांट के आसपास ही रहती हूँ मोस्टली टाइम। जैसे ही घर का काम निपटाया तो बस गार्डन में आ गए और इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप प्लांट के साथ बैठते हैं, अपने गार्डन में बैठते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं तो प्लांट भी हैप्पी रहते हैं कि आप उन्हें समय दे रहे हैं और आप भी हैप्पी रहते हैं। तो आप भी अपने गार्डन में प्लांट ज़रूर ऐड करें। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे होंगे, इन्हें नर्सरी से लाई थी तो ठीक है, सभी लोग नर्सरी से लाते हैं। ये फ्लावर जो खिले हैं वो भी बहुत अच्छी क्वान्टिटी में खिले हैं, लेकिन जब मैंने खुद सीड से ग्रो करके ये फ्लावर खिल गए हैं आज, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत खुश थी मैं आज। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और आप भी चाहें तो ऐसे ही प्लांट सीड से ग्रो कर सकते हैं। कुछ प्लांट नर्सरी से लाइए, कुछ घर पे ग्रो करके और उनकी केयर कीजिए, तो ऐसे ही हैवी ब्लूमिंग होगी। और देखिए जब मैंने सीड से ग्रो किया था तो फर्स्ट राउंड में कुछ प्लांट तैयार हो गए थे, जिनकी पौध थोड़ी बड़ी बड़ी थी उसको मैंने फर्स्ट राउंड में लेके लगा दिया था। तो इसमें तो फ्लावरिंग हो गई है, लेकिन कुछ प्लांट आपको ये देखिए छोटे दिख रहे होंगे। तो इसमें जो सेकेंड राउंड के प्लांट तैयार हुए थे, थोड़ी जो कुछ सीड्स लेट से जर्मिनेट हुए थे, उनके पौधे छोटे हैं अभी भी फैब्रिक में भी। तो बस ये अब इसकी भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, देख सकते हैं आप, एक छोटे छोटे फ्लावर्स इसमें भी खिलने लगे हैं। देखिए ये कलियां हैं, ये इतनी अच्छी क्वालिटी का पिटूनिया था ना। देखिए छोटा सा प्लांट है, ये इतना छोटा सा प्लांट है और इसमें भी कलियां बन रही है और एक फूल खिल गया है।
तो और ये जो आपको थोड़ा सा बड़ा प्लांट दिख रहा है, ये मैं कहीं और से लाई थी, अपने मायके गई थी तो वहाँ से लाई थी। ये दूसरे कलर का प्लांट होगा, लेकिन ये जितने भी पर्पल आपको दिख रहे हैं ना, ये सब मैंने खुद घर पे सीड से ग्रो किए हैं। तो बस ये मेरी वीडियो थी। और पिटूनिया की केयर पे आप अगर कुछ देखना चाहते हैं कि मैं इनकी केयर कैसे करती हूँ कि इतने हैवी ब्लूम्स हो रहे हैं, छोटे छोटे पॉट में लगाए हैं, देखिए सारे हैंगिंग पॉट हैं, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में फूल दिख रहा है आपको। मैंने बड़े से 8-10 या 12 इंच के गमले में नहीं लगाया, छोटे छोटे हैंगिंग पॉट है, ये भी हैंगिंग पॉट है, ये भी है, ये देखिए ये सारे हैंगिंग पॉट है। तो छोटे से भी पॉट में पिटूनिया हैप्पी ग्रोथ करता है। देखिए इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो रही है, ये देखिए इसमें कुछ अभी फ्लावर खिलने वाले हैं, आज ये फ्लावर ब्लूम हो जाएगा। पहले भी फूल खिल चुके थे, अब दोबारा से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो बस छोटे छोटे कंटेनर में, छोटे छोटे पॉट में भी आप पिटूनिया लगा देते हैं ना तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और बस इसमें कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करेंगे। हाँ, इसकी केयर आपको देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में पिटूनिया का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, हाउ टू गेट हैवी ब्लूम पिटूनिया फ्लावर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और स्क्रीन पे भी मैं आई बटन डाल दूंगी तो आप इजीली उसे देख सकते हैं कि मैंने इसकी केयर कैसे की है कि इतनी हैवी ब्लूमिंग हो रही है। तो बस आप इसकी केयर कीजिए, अपने गार्डन में कुछ प्लांट नर्सरी से लाइए और कुछ प्लांट खुद अपने घर पे सीडलिंग से ग्रो कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी ऐसे ही ढेर सारी पिटूनिया ब्लूम्स हो, ढेर सारे पिटूनिया के पौधे आपके गार्डन में भी ऐड हो या आप करें, तो उसके लिए आप भी यही करें जो मैंने किया था। लास्ट ईयर मैं कुछ ही प्लांट लाई थी पिटूनिया के और उनके सीड्स कलेक्ट कर लिए थे अप्रैल में सीड्स आप इसके कलेक्ट करेंगे और सीड्स कलेक्ट करके रख दीजिए और अक्टूबर में इसकी सीडिंग कर दीजिए और धीरे धीरे ये पौध तैयार हो जाती है। तो आप चाहें तो ढेर सारे पौध तैयार करके अपने गार्डन में ढेर सारे पिटूनिया के फूल ले सकते हैं। और ये तो कुछ ही कलर है, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करूँगी, इनके सीड्स तो कलेक्ट करके रख ही लूँगी, साथ में जो मार्केट में पैकेट्स मिलते हैं मिक्स फ्लावर के, और कुछ डबल पेटल पिटूनिया भी आते हैं फ्रेंड्स, उनका साइज़ और ज़्यादा बड़ा होता है, तो नेक्स्ट सीज़न में वो भी ऐड करने वाली हूँ अपने गार्डन में, इसलिए आपसे सोचा मैंने शेयर कर दूँ, बता दूँ आपको भी। तो मिक्स सीड्स लेंगे, पैकेट लेंगे, मिक्स सीड्स वाले पैकेट, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के पिटूनिया के फ्लावर्स आपको मिलेंगे। तो बस सीड्स ग्रो कीजिए, उनकी थोड़ी सी केयर कीजिए तो अलग अलग कलर के ढेर सारे फ्लावर से आपका गार्डन भर जाएगा। और अगर चाहें तो आप बड़े साइज़ के जो पिटूनिया आते हैं उन्हें भी अपने गार्डन में जगह दीजिए, उनकी जो ब्यूटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज़ के फूल देते हैं और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो बस मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी नेक्स्ट ईयर अपने गार्डन में अगर ऐड किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो पिटूनिया ज़रूर ऐड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूँ, और आप लोग मुझे ऐसे ही जुड़े रहें। आप वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए उसके लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियो आप तक पहुँचती जाए और उन्हें देख के आप अपने गार्डन से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाते रहें। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।